हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 फरवरी 2020 में आपका जो मेमोरी बेस्ड पेपर आया था प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, आरबीआई असिस्टेंट 2019 का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वांट का सेक्शन मैं इसके बाद कराऊँगी एंड रीजनिंग का सेक्शन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगी कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पहले अटैम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बाद में अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आप देखो, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि दो पेयर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लो एक बार इसमें। यहाँ पे जी कॉमन है और यहाँ पे भी जी कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको ज्वाइन करोगे दोनों पेयर को, आप माइंड में करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको पेन पेपर पे, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन में देखो, टी इज़ ग्रेटर देन ई, तो टी और ई के बीच में देख लो कौन कौन से साइन है, एक इक्वल्स टू का साइन है और एक ये है। मैंने आपको बताया था जब बेसिक्स आपको बताए थे, ग्रेटर के साइन आपको सबसे बड़े कंसिडर करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप इन साइन को कंसिडर करोगे और देन इसके बाद आप इक्वल्स टू को कंसिडर करोगे। अगर कहीं पे ये साइन प्रेजेंट है और साथ साथ में ये भी साइन प्रेजेंट है और साथ में ये भी साइन प्रेजेंट है किसी दो अल्फाबेट के बीच में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस साइन को कंसिडर करना है, वही आपका ट्रू होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दो साइन प्रेजेंट हैं तो मैं इसको कंसीडर करूंगी ई और टी के बीच में, तो यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको कर दोगे ट्रू। अब देखते हैं आर इज़ ग्रेटर देन एस, आर और एस के बीच में यहाँ पे आप देखो अपोजिट साइन हो रहे हैं, ठीक है। आर और एस के बीच में अपोजिट साइन आ गए यहाँ पे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दो पेयर का क्वेश्चन है, क्या करोगे आप, ज्वाइन करोगे सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू G, तो C यहाँ पे और G यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे C और G के बीच में अपोजिट साइन दिख गए, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। C इज ग्रेटर देन H, अब C और H के बीच में देखोगे तो यहाँ पे मुझे दो ही साइन दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैं किसको कंसीडर करूँगी, सबसे बड़ा साइन आपका ये होता है, तो मैं इसी को कंसीडर करूँगी और C इज ग्रेटर देन एच यहाँ पे वैलिड है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि ओनली सेकंड इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मुझे बेसिक्स भी बताने पड़ रहे हैं, तो आप अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे इनको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तीन पेयर हैं, ठीक है, तो तीनों में आपको क्या करना है, ज्वाइन करने हैं इनको, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर लो आप यहाँ पे, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखो Z यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है इस वाले में, तो मैं यहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट कर देती हूँ, ये बन गया। अब P इज़ लेस देन A, तो P यहाँ पे और A यहाँ पे, तो P इज़ लेस देन A हमें वैलिड दिखाना है यहाँ पे, ट्रू दिखाना है, और ये यहाँ पे ट्रू है क्योंकि सबसे बड़ा साइन ये कंसिडर करूँगी मैं, देन इसके बाद ये वाला कंसिडर करते हैं, देन इसके बाद ये वाला, तो हमारे पास सबसे बड़ा साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपका वैलिड हो गया, तो यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। L इज़ ग्रेटर देन M, तो L इज़ ग्रेटर देन M में क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा L इज़ ग्रेटर देन M के बीच में ये तीन साइन आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। Q इज़ इक्वल्स टू Z, Q और Z के बीच में अपोजिट साइन आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए अपोजिट आ गए ना, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड थर्ड आर आपका फॉल्स। अब आगे चलते हैं, ये आपका एक और क्वेश्चन है, इन दोनों को ज्वाइन करो, दो पेयर के क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आगे देखो Q इज ग्रेटर देन M, तो Q आपका इधर है और M आपका इधर है, Q इज ग्रेटर देन M, तो अब देखो दो साइन दिख रहे हैं मुझे, एक ये साइन दिख रहा है और एक ये साइन दिख रहा है, और हमें दिखाना क्या है, हमें क्या दिखाना है, ये वाला साइन दिखाना है, बट ये वाला साइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए ये आपका रॉन्ग हो गया।
अब देखिए इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। क्या होता है, इनइक्वालिटी 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। हम ये एग्जाम में सोचते हैं कि हमने पांचों के पांचों अच्छे करके आ गए, बट कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे अभी ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन मैं सेकेंड देखूंगी तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ट्रू, अब देखो कैसे, एन इज़ ग्रेटर देन क्यू, ये कह रहा है एन इज़ ग्रेटर देन क्यू। अब यहाँ पे देखो एन और क्यू कहाँ पे, यहाँ पे तो मुझे दोनों ही रॉन्ग दिख रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे इसने बोला एन इज़ ग्रेटर, एन इज़ इक्वल्स टू क्यू। हमें पता है यहाँ पे जो एम है वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एन लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू इज़ ग्रेटर देन एम, ठीक है, एक ये सेक्शन है। अब इसमें लिखा है एम इज़ इक्वल्स टू एन, तो यानी कि मैं इसको एम ले सकती हूँ, एम इज़ इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। एम इज़ इक्वल्स टू एन एन है यहाँ पे, तो एम इज़ इक्वल्स टू क्यू ले सकती हूँ मैं इस वाले पार्ट को लेके, एम इज़ इक्वल्स टू क्यू ले सकती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये दोनों इक्वल है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो सेंटेंस क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका, ठीक है, यही तो बन रहा है। तो यहाँ पे अब इसको चेक करो, ये ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला साइन दिखा, ये वाला साइन दिखा, ये वाला साइन दिखा और ये दिखा। क्यू और एम के बीच में मुझे ये 3 साइन दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब 3 बार दिख रहा है, एक साइन आपका 2 बार दिख रहा है, तो इसको हटा दो। तो ये वाला साइन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि ये आपका ट्रू हो गया। बट कैसे हो रहा है, इन दोनों को मिला के ट्रू हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, आइदर वन और सेकेंड इज ट्रू। आइदर और की मैंने अलग से क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, पूरा एक वीडियो है, अगर आपको देखना है और कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं आइदर और इनइक्वालिटी में, तो आप जाके चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं, देखें अब यहाँ पे क्या है, 2 पेयर हैं, ठीक है, तो दोनों को मैं ज्वाइन करूँगी। मुझे बी कॉमन दिख रहा है तो मैं बी से ही ज्वाइन करूँगी, ठीक है। तो आप इसको पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लो, राइट। अब देखो जे इज ग्रेटर इक्वल्स टू टी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो उसमें जे यहाँ पे और टी यहाँ पे, तो जे और टी के बीच में आपके कौन कौन से साइन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ अपोजिट हो रही है, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, तो ये आपका वैसे भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे देखो एम इज़ ग्रेटर देन सी, एम ये है और सी है, तो यानी कि ये देखो इसी साइड जा रहे हैं ना आपके साइन, ऐसे ही जा रहे हैं ना, कंटिन्यूटी आपकी फॉलो हो रही है। तो सबसे बड़ा साइन कौन सा है, ये है इनमें से, तो एम यहाँ पे आपका ग्रेटर हो रहा है सी से, तो ये तो आपका ट्रू हो गया। अब देखो यहाँ पे आर इज़ ग्रेटर देन सी, आर कहाँ पे है आपका, ये रहा, और सी कहाँ पे, ये रहा। तो आर और सी के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ये दोनों साइन आ रहे हैं। सबसे बड़ा साइन कौन सा होता है, ये होता है, तो मैं इसको कंसिडर करूँगी, तो यानी कि ये आपका वैलिड हो रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। देखिए अब देखते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए जाके, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए नो फैन आर बल्ब, ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइदर और के सॉरी इनइक्वालिटी के बाद अगर आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन भी प्रेजेंट हैं पेपर में, ठीक है, तो कोशिश करो पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करो, देन उसके बाद सिलॉक्स के क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। नो फैन आर बल्ब, ठीक है, तो फैन यहाँ पे है और बल्ब यहाँ पे है, ठीक है। ओनली अ फ्यू बल्ब आर फ्यूज, अब देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू का केस दिया है, ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, उसने बोला ओनली अ फ्यू बल्ब आर फ्यूज, तो इसका मीनिंग ये है कि ये वाला जो बल्ब का पार्ट है ये कभी भी फ्यूज के पास नहीं जाएगा। सिर्फ जो बल्ब का ये वाला पार्ट है ये सिर्फ फ्यूज़ के पास रह सकता है, ठीक है, और फ्यूज़ का बल्ब के पास रह सकता है सिर्फ ये वाला पार्ट, बट ये वाला पार्ट जो बल्ब का है वो फ्यूज़ के पास नहीं जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कंक्लूजन, सम बल्ब आर नॉट फैंस, ठीक है, आप देखो यहाँ पे सम बल्ब आर नॉट फैंस, तो फैंस कुछ उसने बोला कुछ बल्ब आपके फैंस नहीं है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे नो का मतलब क्या होता है, ना ही फैन बल्ब के पास जाएगा ना ही बल्ब फैन के पास जाएगा,
तो कुछ बल्ब भी आपके फैन के पास क्यों जाएंगे, ठीक है? तो इसने क्या बोला, सम बल्ब आर नॉट फैन, हमें पता है कि कोई भी फैन आपका बल्ब नहीं है, तो कुछ बल्ब भी आपके फैन नहीं होंगे, ठीक है? जब पूरे नहीं है तो कुछ भी क्यों होंगे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अगर नॉट हटा दो यहाँ से तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे नॉट प्रेजेंट है ना, उसने बोला कि कुछ भी कुछ बल्ब आपके फैन नहीं है, हमें पता है कि सारे के सारे नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो, सम फ्यूज आर फैन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्यूज आपके फैन हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? अब देखो यहाँ पे ये वाला जो फ्यूज का हिस्सा है ना, ये फैन के पास नहीं जा सकता, ठीक है? क्योंकि सारे के सारे फैन जो हैं वो बल्ब नहीं हो सकते, और बल्ब के अंदर फ्यूज का ये वाला हिस्सा आ रहा है, बट ये वाला जो पार्ट है इसका तो हमें नहीं पता है कि ये फैन के पास जा सकता है या नहीं जा सकता। इस वाले पार्ट से और फैन का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ पे नो रिलेशन है वहाँ पे पॉसिबिलिटी हमेशा काम करती है, ठीक है? पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ऑल फ्यूज आर फैन इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता, क्योंकि कुछ फ्यूज ऐसे हैं जो बल्ब के अंदर आते हैं और बल्ब कभी फैन के पास नहीं जा सकता, ठीक है? लेकिन कुछ फ्यूज आपके जा सकते हैं, हमें पता नहीं है, नहीं भी जा सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम कर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें भी ओनली अ फ्यू का केस है दिया है, ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर वाइट। अब यहाँ पे देखो, ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर वाइट, ठीक है? तो ये वाला पार्ट शर्ट का वाइट हो सकता है, बट ये वाला पार्ट कभी भी नहीं जाएगा। सम वाइट आर ब्लैक, राइट? अब देखो, ऑल शर्ट्स आर वाइट, ऑल शर्ट्स आर वाइट। अब आपको ऑलरेडी पता है कि शर्ट का ये वाला हिस्सा आपका वाइट में रह सकता है, बट पूरा हिस्सा कभी भी वाइट में नहीं जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई है ना आपको, तो ये वाला जो पार्ट है वो कभी वाइट के पास नहीं जा सकता, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम शर्ट्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शर्ट्स जो हैं वो आपकी ब्लैक हो सकती हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जहाँ पे नो रिलेशन है वहाँ पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट, ठीक है? तो सेकंड फॉलो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑल गोल्ड आर शाइन, राइट? सम शाइन आर रैंडम, नो रैंडम आर सिल्वर, एटलीस्ट सम शाइन आर नॉट सिल्वर। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, कुछ शाइन आर नॉट सिल्वर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना शाइन का, ये आपके सिल्वर के पास नहीं जा सकता, ये आपको पता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो रैंडम है वो सिल्वर के पास नहीं जाएगा, और सिल्वर रैंडम के पास नहीं जाएगा, और यहाँ पे शाइन का पोर्शन भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि कुछ शाइन आपके सिल्वर नहीं है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सम गोल्ड आर रैंडम, सम गोल्ड आर रैंडम। अब देखिए, गोल्ड और रैंडम के बीच में हमें नहीं पता, कोई रिलेशन नहीं है कि गोल्ड रैंडम है, रैंडम गोल्ड है या नहीं है, ठीक है? बट ये यहाँ पे डेफिनेट में बोल रहा है, अगर पॉसिबिलिटी में बोलता तो करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ डेफिनेट में बोल रहा है कि सम गोल्ड आर रैंडम, तो इस चीज़ का हमें डेफिनेट में नहीं पता है, तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। एटलीस्ट सम गोल्ड कैन बी रैंडम, अब यहाँ पे कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी में बोल रहा है, पॉसिबल केस में बोल रहा है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? सॉल्व करेंगे इसको। क्यू इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पी एंड 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ टी। सबसे पहले आपको क्या पता होने चाहिए, हमारे साइन पता होने चाहिए, ऊपर के साइड नॉर्थ, राइट के साइड ईस्ट, नीचे के साइड साउथ, लेफ्ट के साइड वेस्ट, ठीक है? तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। आपका जो क्यू है, वहाँ से जो पी है, पी के ईस्ट में आपका क्यू है, कितनी दूरी पे, 4 किलोमीटर की दूरी पे, और 2 किलोमीटर दूरी पे आपका साउथ है, ठीक है? टी के साउथ में आपका क्यू है, यहाँ पे लिखा है ना ऑफ टी, साउथ ऑफ टी, यानी कि टी के साउथ में कौन है, क्यू है। एंड का मतलब इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे हु होता तो हु का मतलब पी के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एंड है तो एंड का मतलब यहाँ पे क्यू के लिए यूज हो रहा है, क्यू इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ टी, ठीक है? ये 2 किलोमीटर हो जाएगा और ये 4 किलोमीटर है। वी इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टी,
फोर किलोमीटर एस इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ टी, टी के साउथ में कौन है एस, कितनी दूरी पे 4 किलोमीटर पे, तो ये आपका 2 इधर हो गया 2 इधर, ये टोटल हो गया 4। आगे चलो आर इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एस, तो आर यहाँ पे 4 किलोमीटर की दूरी पे हो गया किसके वेस्ट में, एस के वेस्ट में, ठीक है आर इधर आ गया। अब उसने बोला है कि आर यहाँ पे एंड आ रहा है ना, यानी कि आर के लिए यूज हो रहा है, आर इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के वेस्ट में आपका आर है 6 किलोमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर ये हो गया और 4 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल हो गया आपका 6 किलोमीटर की डिस्टेंस आर और एक्स के बीच में। यू इज जस्ट इन द मिडल ऑफ टी एंड वी, ठीक है तो यू आपका इधर है, ठीक है तो ये यू हो गया, एंड 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू। अब देखो एंड यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो एंड किसके लिए, यू के लिए यूज हो रहा है, तो यू इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के नॉर्थ में है 2 किलोमीटर, तो ऊपर के साइड हो जाएगा यू और डब्ल्यू हो जाएगा नीचे, ठीक है 2 किलोमीटर पे। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस के बीच में कितनी डिस्टेंस है आपको मैंने बताया था टोटल कितनी है 4 किलोमीटर की। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी एंड डब्ल्यू के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे ये डब्ल्यू है और ये पी है, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, ये पूरा 4 है तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, तो 2 किलोमीटर ये हो गया 4 किलोमीटर ये हो गया, यानी कि 6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 68, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एक्स, यू आपका ये रहा और एक्स आपका ये रहा, तो 2 किलोमीटर की तो यहाँ पे डिस्टेंस दिख रही है, ठीक है और 2 किलोमीटर आपका नीचे है तो इसको भी यहाँ पे ज्वाइन करो, तो 2 किलोमीटर आपका ये हो गया, यानी कि टोटल कितनी हो गई 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब आगे देखते हैं, ओके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आपके, कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। अब देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले बेसिक जान लो, थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं करा रही हूँ, आप जिस तरीके से करते हो उसी तरीके से करो, ठीक है। मैं जो यहाँ पे तरीका फॉलो कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। सिंगल लाइन का रिप्रेजेंट मैं करूँगी ब्रदर सिस्टर कज़िन इन सब के लिए, ठीक है। डबल लाइन का मैं रिप्रेजेंट करूँगी मम्मी पापा चाचा चाची ये इन सब के लिए, ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस के लिए मैं फीमेल रिप्रेजेंट करूँगी, माइनस के लिए मेल रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करो। यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, ठीक है। यू इज़ ब्रदर ऑफ टी, तो यू इज़ ब्रदर ऑफ टी यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब उसने बोला है टी जो है हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, टी के लिए। टी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, यानी कि जो टी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, आर की, यानी कि आर यू की वाइफ होगी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी हु इज फादर ऑफ क्यू, ठीक है। अब पी के जो ग्रैंडसन है वो एस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका समझो, मुझे क्या करना है, आर यू टी इनमें से कोई कॉमन ढूंढना है किसी भी सेंटेंस में, तो मुझे यहाँ पे यू दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे यू दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे यू दिख रहा है, तो आप किसी भी सेंटेंस को पिक कर लो। मैं इसको सबसे पहले कर रही हूँ, एस इज द ओनली सन ऑफ यू, ठीक है तो यू का जो सन है वो एस है, ठीक है। अब ये सिस्टर इन लॉ थी ना, यहाँ पे हम फीमेल ले लेंगे और ये आपका यू ब्रदर है तो ये आपका मेल हो जाएगा और ये आपकी फीमेल हो जाएंगी, एस सन है तो ये आपका फीमेल हो जाएगा, तो माइनस का साइन ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देख लो, क्यू इज द सन ऑफ डब्ल्यू हु इज द मदर ऑफ यू, ठीक है तो यहाँ पे डब्ल्यू ले लिया मैंने, जो क्यू है वो सन है डब्ल्यू का, ठीक है तो डब्ल्यू का एक और सन है जो कि है क्यू, ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको माइनस ले रही हूँ। अब यहाँ पे ले लो, वी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ आर, तो वी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ आर मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लो। हु इज़ वाइफ ऑफ आर, हु इज़ वाइफ ऑफ यू, तो ठीक है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए अब आगे चलते हैं, कौन सा पॉइंट छूट गया। एस इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ पी, ठीक है। हु इज़ फादर ऑफ क्यू, ठीक है जो पी है वो फादर है किसके, किसके यहाँ पे फादर हैं, क्यू के, ठीक है तो यहाँ पे पी ले लिया मैंने, यानी कि
ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, जिसमें कि पी फादर है और डब्लू यहाँ पे फीमेल है। और यहाँ पे एक और पॉइंट था, एस इज़ ग्रैंडसन ऑफ पी, तो ये ग्रैंडसन है यानी कि ये इनके पेरेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया पूरा ब्लड रिलेशन। तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, हाउ इज़ डब्लू रिलेटेड टू पी, डब्लू यहाँ पे और पी यहाँ पे, तो डब्लू ओ सॉरी वी, तो ये दोनों क्या हो गए, डब्लू क्या लगता है वी का, यहाँ पे ग्रैंड ग्रैंड मदर लगती हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का साइन है ना, तो ये मदर होंगी। अब आगे चलते हैं, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू वी, जो क्यू है और वी, तो क्यू क्या लगेंगे वी के, अंकल लगेंगे, क्योंकि यू एंड क्यू दोनों ब्रदर हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंकल। ठीक है, आगे चलते हैं, हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी, तो ये इनकी डॉटर इन लॉ लगेंगी, तो इनका हो जाएगा डॉटर इन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसने बोला है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, जैसे कि आपका डिक्शनरी ऑर्डर होता है। ठीक है, सारे जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनके सारे अल्फ़ाबेट चेंज करना है। ठीक है, फिर उसको फाइनली भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है वर्ड्स को, पहले अल्फ़ाबेट को करना है देन उसके बाद वर्ड्स को कर देना है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द इन द लास्ट पोजिशन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये दिया है सिंपल। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगी, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा, ये आप माइंड में सॉल्व करो। ठीक है, तो डी ई डब्ल्यू है, तो ये आपका ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो ये हो जाएगा बी जी आई, ये हो जाएगा ए आर डब्ल्यू, ए एफ एन एंड डी जी ओ। ठीक है, देन इनको वर्ड्स में भी अरेंज कर दो, तो सबसे पहले तो ये दोनों आएंगे। ठीक है, पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा बी आएगा, और चौथा आपका क्या आएगा, ये, और लास्ट में कौन सा आएगा, ये। इनको अगर अरेंज करेंगे वर्ड्स में, अगर अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये लास्ट में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉग। ठीक है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, डॉग है ये, ओके। उसने बोला है फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड आएंगे, कितने आएंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को चेंज करके देख लो, यहाँ पे W आ जाएगा, यहाँ पे D, एक तो ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये वॉर हो जाएगा, एक ये बन रहा है, और यहाँ पे नैफ, एक ये भी बन रहा है, डी ओ जी, और एक ये बन रहा है। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, चार मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो 92 का क्या आ जाएगा, 4। इफ़ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज एंड अरेंज इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, क्या बोला उसने, जो फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट है अगर वो हम चेंज करेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, अरेंज इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर में इनको आप डिक्शनरी ऑर्डर में चेंज करिए, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, आपका जी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका पहले में ये आएगा, क्योंकि जी के बाद आई है, फिर जी के बाद ओ, तो दूसरे में ये आएगा, तीसरे में आपका ये आ जाएगा, और चौथे में आपका ये आएगा, और पांचवे में ये आएगा। ठीक है, तो उसने बोला है विच वर्ड कम लास्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपका वेडनेसडे 5 लास्ट आए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 94। इसमें बोला है इफ़ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर एक्सचेंज बाय नेक्स्ट अल्फाबेट, तो क्वेश्चन आपका क्या था, ड्यू, बिग, रॉ, फैन एंड डॉग। ठीक है, तो इनको चेंज करो नेक्स्ट अल्फाबेट में, यानी कि डी की जगह ई आ जाएगा, बी की जगह सी हो जाएगा, आर की जगह आपका एस हो जाएगा, और एफ की जगह आपका जी हो जाएगा, डी की जगह आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने बोला है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड आर फॉर्म्ड, तो यहाँ पे आप देख लो कितने यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वर्ड, मुझे यहाँ पे एक ही दिख रहा है 100। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई वर्ड नहीं होते आपके, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इफ़ द पोजीशन ऑफ अ फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज विच कम्स थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी,
फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट की पोजीशन चेंज करो, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा आई बी जी ए आर डब्ल्यू ए एफ एन ओ डी जी, ठीक है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले तो ये दोनों आ जाएंगे, हमें क्या बताना है, थर्ड बताना है, ठीक है। तो ए ए का कैंसिल हो जाएगा, देन थर्ड में क्या आएगा आपका ई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू, ठीक है। तो ये आपकी थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी काफ़ी ईजी होती है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिक सीरीज़ का। तो देखो इसमें बताना है कि कितने पेयर हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में बताना है। तो सबसे पहले मैं नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। देखो सिक्स से स्टार्ट करेंगे, पहले हम फॉरवर्ड देखेंगे देन उसके बाद हम बैकवर्ड में जाएंगे। सिक्स से स्टार्ट करो, आगे के नंबर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। सिक्स से स्टार्ट किया, सेवन एट नाइन, नाइन पे मैच हुआ, पहला पेयर बन गया। अब आगे नाइन के बाद देखो, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, कोई मैच नहीं हो रहा। अब फाइव से स्टार्ट करो, फाइव से स्टार्ट करेंगे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, नहीं हुआ कोई मैच। टू से स्टार्ट करो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नहीं हुआ। नाइन से जाएंगे तो टेन इलेवन में कोई सीरीज़ नहीं है। सेवन से स्टार्ट करो, एट नाइन टेन, कोई नहीं है। सिक्स से स्टार्ट करो, यहाँ पे सेवन एट, कोई नहीं आ रहा, ठीक है। फोर से फाइव आ रहा है, तो दूसरा पेयर ये बन गया। अब हम बैकवर्ड में देखो, फाइव से स्टार्ट करो, सिक्स सेवन एट नाइन, तो फाइव से नाइन दूसरा पेयर बन गया यहाँ पे, ठीक है। फोर से स्टार्ट करो, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कोई नहीं आ रहा है। सिक्स से स्टार्ट किया, सेवन आ गया। आगे भी चेक करेंगे, एट नाइन टेन, और कोई पेयर नहीं बन रहा सिक्स से, ठीक है। और बाकी भी आप चेक करो यहाँ से, नाइन से करेंगे कोई नहीं बनेगा, टू से करेंगे थ्री फोर नहीं बन रहा, लेकिन फाइव से सिक्स बन रहा है। तो टोटल कितने पेयर हो गए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पेयर हो गए, तो मोर देन फोर, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो एट मेंबर्स दिए हैं जो कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो एट मेंबर्स के हिसाब से मैंने भी बना लिया, और यहाँ पे ये अंदर के साइड देख रहे हैं सबके सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करो, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में सी बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ई सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ए हु इज़ फेसिंग सी, ए कहाँ पे फेस कर रहा है, सी की तरफ फेस कर रहा है, और जो ई है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए के, तो ए का लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, तो ई इधर आ जाएगा। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, अब ए के थर्ड राइट पे एच बैठा है, तो थर्ड राइट आपका इस साइड होगा, एक दो तीन, ठीक है। बी और एफ का नेबर नहीं हो सकता एच, डी सिट्स सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में जाओ, डी बैठा होगा सिक्स नंबर पे, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, यहीं पे तो है। अब देखो यहाँ पे देखो ना, डी सिट्स सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे ई का राइट आपका ये है और लेफ्ट आपका ये है, ठीक है। तो सिक्स राइट लेफ्ट में देखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, तो बी आपका इधर आ जाएगा और एफ इधर हो जाएगा, क्योंकि जो एफ है वो दोनों का नेबर है, ठीक है। और ये आपका पजल पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देख लो, हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, तो यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ से देख लो आप, राइट में देखना है ना, तो एक दो तीन चार पाँच ए आ रहा है आपका। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी काउंटिंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में देखोगे ए और बीच की, ए और बी के बीच में, तो आपको कितने देखेंगे, पांच लोग, ठीक है। यहाँ से देखोगे ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो पांच लोग देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे तो एक ही दिखेगा। हु सिट्स अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट कौन बैठा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी है, ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड सी काउंटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी, सी और जी के एग्जैक्ट बीच में कौन है, क्लॉकवाइज देखना है ना, तो एच है, ठीक है, तो एच आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, यहाँ पे लेफ्ट सॉरी ये राइट होगा और लेफ्ट ये होगा, तो एफ आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया, बहुत ईजी था। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक और पजल मैं करा रही हूँ आप लोगों को, एक पजल है जो मैं आपको अपने प्रैक्टिस के लिए दूंगी, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे उसका आंसर दे दूंगी, तो आप उसको समझिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगी कैसे करना है, इसके बाद वो पजल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक और पजल है जो मैं अभी करा रही हूँ आपको, इसमें दो वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल की पजल मैं होमवर्क में दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एट पीपल हैं, ठीक है, और डिफरेंट मंथ्स में हैं, ठीक है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है, सिंपली इनको अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो मंथ है वो तो आपके ऑलरेडी आपको पता है किस डायरेक्शन में होंगे, जनवरी से स्टार्ट होता है ना, तो जो चीज़ आपको पता है आप उसको पहले लिख लो, जनवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जो जो मंथ दिए हैं वही लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है, जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे, नो वन विल अटेंड द मीटिंग आफ्टर सी, यानी कि सी आपका लास्ट में आएगा, सी के बाद कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। डी अटेंड द मीटिंग इन द मंथ विच हैज 30 डेज बट बिफोर अगस्त, ठीक है। अब 30 डेज किस में आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ना, तो 30 डेज आपका अप्रैल में आएगा, 30 मंथ, और आपका सितंबर भी 30 होता है। उसने बोला है अगस्त से पहले बैठा है, तो अगस्त से पहले एक ही मंथ है जो 30 का होता है, वो है अप्रैल, तो डी आपका इधर हो जाएगा। आ रहा होगा आपको समझ में कैसे सॉल्व करना है इनको। बी अटेंड द मीटिंग इन द मंथ आफ्टर एफ, ठीक है, एफ के बाद में, एफ आपका जब भी अटेंड कर रहा है ना, तो उसके बाद के मंथ में बी अटेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि एफ कब अटेंड कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। एच अटेंड द मीटिंग इन द मंथ बिफोर द पर्सन हु अटेंड द मीटिंग इन जुलाई, ठीक है। तो जुलाई में जो पर्सन अटेंड कर रहा है मीटिंग, उससे पहले आपका कौन अटेंड कर रहा है, एच, ठीक है। तो यहाँ पे एच आ गया। नाइदर जी नॉर ई अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, जी और ई अटेंड नहीं कर रहे हैं जुलाई में मीटिंग। बी एंड एफ बोथ अटेंड द मीटिंग इन द मंथ बिफोर मे, तो बिफोर मे में सिर्फ दो पेयर बचते हैं मुझे, जनवरी एंड मार्च, तो आप बी और एफ यहाँ पे ले लो, ठीक है। ई अटेंड द मीटिंग, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि बी के पहले एफ अटेंड करेगा, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था बी के पहले एफ अटेंड करेगा, तो इसको आप चेंज करो, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, जो पॉइंट हम पहले लिखे हुए हैं उनको बाद में सही से अरेंज कर देना है, ठीक है। अब लिखा है ई अटेंड द मीटिंग इन द थर्ड मंथ आफ्टर द मंथ इन विच एच अटेंड, ठीक है। तो थर्ड मंथ में आपका कौन सा आ जाएगा, ई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसने बोला था जो ई है वो अटेंड कर रहा है थर्ड मंथ में आफ्टर एच, तो आफ्टर एच में वन सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारा, जी और ई जुलाई में नहीं कर रहे हैं अटेंड, तो जी यानी कि यहाँ करेगा। अब बचा कौन सा अल्फाबेट, ए, जुलाई, जो कि जुलाई में अटेंड करेगा। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इफ ऑल द पीपल विल अटेंड एज पर द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मंथ, हाउ मेनी विल अटेंड द मीटिंग एज पर द प्रीवियस शेड्यूल। तो अब रिवर्स अल्फाबेटिकल में आप इनको अरेंज करो, मतलब यहाँ पे ए, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब इनसे मैच करके देखो कौन से सेम आ रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका सेम आ रहा है मार्च में, बाकी आपके सारे डिफरेंट आ रहे हैं, मैच करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। हु विल अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में कौन अटेंड कर रहा है, जी, तो जी आपका आंसर हो जाएगा। इन विच मंथ डज ई अटेंड द मीटिंग, तो ई कौन से मंथ में अटेंड कर रहा है, सेप्टेम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे सेप्टेम्बर इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड ऑड वन आउट, तो एच मई में कर रहा है, एफ आपका मार्च में नहीं कर रहा है, ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे, आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो, ठीक है। एच आपका मई से आ रहा है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी पीपल विल अटेंड द मीटिंग आफ्टर ए, ए के बाद कितने पीपल हैं जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तीन, तो तीन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो पजल है इसको कैसे सॉल्व करना है, सिटिंग अरेंजमेंट है ये, पजल नहीं है, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। देखिए दो लाइन है, ठीक है, एक आपका साउथ की साइड देख रहे हैं और एक आपका नॉर्थ के साउथ देख रहे हैं, ठीक है, रो वन एंड रो टू। अब देखिए जो साउथ की साइड देख रहे हैं उन्होंने ये दे दिया है यहाँ पे अल्फाबेट, और जो नॉर्थ की साइड देख रहे हैं ये है। अब देखिए आधी पजल तो मैंने बता दी कैसे सॉल्व करनी है, अब आप इसका क्या करोगे, सिटिंग अरेंजमेंट करके दिखाओगे, और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसका आंसर दे दूंगी, तो वहाँ जाके ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर क्वांट का अगर मैं कराऊंगी तो इस वीडियो के बाद आपका अपलोड हो जाएगा, ओके। 74 क्वेश्चन देखो टर्मिनेट, इसको भी आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में करना है सॉल्व, ठीक है। तो आप देख सकते हो टी के बाद जो अल्फाबेटिकल आपका मैच हो जाएगा वो पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं हो रहा है, यू डब्ल्यू एक्स वाई ये भी नहीं हो रहा है, एम से देखोगे नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ से तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। आप अपोजिट साइड से देखो, एफ जी एच आई, तो एक ये पेयर मैच हो रहा है, ठीक है, और एक ये पेयर मैच हो रहा है, तो इसके दो, ठीक है, दो आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, उसका भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। जो वीडियो रहने वाली है वो होगी आपकी क्वांट सेक्शन की, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों आपकी अपलोड हो जाएगी, तो आप क्वांट का पेपर भी देख लेना। एंड इंग्लिश के लिए मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस थे, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहीं पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, क्वांट की मैं अपलोड करूंगी। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।